हेलो अभी अब से एक नहीं हम प्रज्ञा बोल रहे हैं। बोलो कौन बोल रहे हो? ओ, नमस्ते भाभी, मैं ऋषभ लूथरा बोल रहा हूँ, अभी का दोस्त। भाभी सुनो, तुम हमको बता दो, हम उनको बता देंगे कि क्या काम है। वो एक्चुअली मेरे घर पर एक छोटा सा फंक्शन था बस। अरे अपनी शादी का न्योता दे रहे हो? अरे बहुत बहुत बधाई है तुमको। थैंक यू, पर मैंने आपको और अभी को इनवाइट करने के लिए फोन किया था। वो क्या है कि मेरा कोई भी फंक्शन अभी के बिना अधूरा रहता है। अरे आएंगे, जरूर आएंगे, काहे नहीं आएंगे। तुम्हारी शादी है हमारे गाँव में तो नहीं, नहीं। गाँव में नहीं, हम लोगों में ना शादी के न्योता का इंतजार ही नहीं करते, तुरंत आ जाते, हम जरूर आएंगे। नहीं नहीं भाभी, वो एक्चुअली मेरी शादी बाद में, आई मीन मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। वो नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, दुख मत कीजिए, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। आपका फोन है, वो घंटी बज रहा था तो हम उठा ली। हेलो, हाय अभी, कहाँ थे आप? मैं आप सुबह से आपके फोन का वेट कर रहा था। अरे नहीं यार, वो मैं अपने किसी कॉन्सर्ट के काम से बिजी हो गया। बोल, कुछ जरूरी काम था? यू रिमेम्बर, मैंने आपको एक हफ्ते पहले गणेश उत्सव की पूजा के लिए कॉल किया था, बस उसी के बारे में बात करी थी। वो क्या है ना कि अगर आप नहीं आएंगे ना तो दादी मेरी जान ले लेंगी, और आपको तो पता है ना कि गणेश उत्सव की इतनी बड़ी पूजा आपके बिना अधूरी है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। हेलो, हेलो सरला जी, नमस्ते, मैं राखी बोल रही हूँ, कैसी हैं आप? हाँ जी नमस्ते, कैसे हैं आप? और करण, उसकी चोट कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और करण भी ठीक है, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। मेरा पुत्र एक क्रिकेटर है, छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने आपको इसलिए फोन किया था क्योंकि हमारे यहाँ गणपति जी की पूजा है और आपको आना है दर्शन करने के लिए। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, वो हमारे मोहल्ले में भी ना गणपति की स्थापना की है, हर साल होता है और हम लोग पूजा में जाते भी हैं। इसी बहाने जो जान पहचान के लोग हैं उनसे मुलाकात भी हो जाती है। अरे लेकिन यहाँ भी तो आप सभी को जानते हैं, हम क्या नए हैं आपके लिए? मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली हूँ, आपको तो बस यहाँ गणपति जी की पूजा में आना ही है। और हाँ, सृष्टि तो यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है, बेचारी तैयारियों में लगी हुई है, अपनी ड्रेस भूल गई, तो आते आते उसकी ड्रेस भी ले आना। प्रीता, दादी जी और जानकी, सबको ले आना, मैं आपका वेट करूंगी। अच्छा ठीक है, अब आप इतने प्यार से बुला रही हैं तो मैं भीजी को भी साथ ले आऊंगी और सृष्टि के कपड़े भी। अच्छा जी नमस्ते। कहाँ ले जा रही है, किसका फोन था? लूथराओं का फोन था बीजी, वो कह रहे हैं गणपति रखा है, उन्होंने घर पे जाना है। हाँ तो चलेंगे, जा, मेरा कोई अच्छा सा सूट निकाल। आपके तो सारे सूट ही बहुत अच्छे हैं। तो तुझे क्यों जलन हो रही है? मैं निकाल देती हूँ, कोई भी निकाल दे। अच्छा खुद ही निकाल देती हूँ मैं। मेरे होने वाले पति को मुझसे ज्यादा मेरी सौतन में इंटरेस्ट है। अरे शर्लिन, आपका दुपट्टा। थैंक यू। ने तो वाकई कर दिखा। बाय बाय। हेलो, हेलो, देखा मॉम, उसे मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, इसलिए फोन का बहाना बना के अवॉइड करके चला गया। रिलैक्स शर्ली, प्रॉब्लम तो है, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम करीना से बात करो, हो सकता है कि उसके पास कोई सोल्यूशन हो, और उससे पूछो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ओके मॉम। प्रीता, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, और ग्रो अप टुगेदर वाले इरादे का क्या ख्याल है? प्रीता बोलो ना, जवाब क्यों नहीं दे रही? तुमने खुद ही कहा कि सोफिया और मनीष का दोनों बोरिंग है, तुम्हारा क्या ख्याल है वो ग्रो अप टुगेदर के बारे में? सेठ, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही है मुझे?
तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरे दुपट्टों के दुश्मन। क्या हुआ? मेरी धड़कनें महसूस कर सकते हो ना? इससे पहले कभी मेरे करीब नहीं आई ना, तुम्हें कभी पटाने की कोशिश नहीं की, की होती तो सीधा मेरी बाहों में चले जाते और मुझसे सिर्फ एक ही बात कहते, I love you करण, I love you। वाकई तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। That I find you disgusting। मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ और ना कभी जिंदगी में ऐसा फील हो सकता है, क्योंकि तुम में वो बात ही नहीं है। CR कभी शेर का मुकाबला नहीं कर सकता, तुम मेरा मुकाबला कभी नहीं। एक मिनट प्रीता, तेरा नाम करण लूथरा, मैं कभी किसी गेम या चैलेंज में नहीं आता, ओके? क्योंकि तुम्हारा मुकाबला कभी किसी असली खिलाड़ी से हुआ ही नहीं। मैं तुम्हें किसी भी गेम में हरा सकती हूँ। ओहो, तो ठीक है, तुम या तो मुझे लव की बाजी में हरा दो या फिर क्रिकेट में। व्हाट्स इट, यू नो आई मीन, मैं तुम्हारे लिए एक बंदा चूज करूंगा, तुम्हें उसे पटा के दिखाना है। ऐसे डिस्गस्टिंग गेम्स नहीं खेलती हूँ। हाँ, तो तुम कोई पिद्दी सा चैलेंज दोगी मुझे, यू नो, कि वो जूस पी लो, कुछ कुछ पानी पी के दिखाओ, कुछ ये कर लो, राइट, कोई गाना सुना दो। मैं तुम्हें क्रिकेट का चैलेंज देती हूँ, क्रिकेट का। भाई, एक्चुअली मुझे एक छोटा सा फेवर और चाहिए। अब क्या, क्लाइंट से तो हम मिल ले, अब कौन सा फेवर चाहिए? वो क्या है कि आप जैसे क्राइसिस सिचुएशन में लोगों को बाहर निकालते हो, जैसे आपने वरुण को हैंडल किया, आई मीन दिस इज कमेंडेबल। आपको लट्टू की तरह, आप इन शॉर्ट टेल मी, कौन से फ्लेवर का फेवर चाहिए? तो फ्लेवर कुछ ऐसा है कि बॉयज वर्सेस गर्ल्स का एक मैच है और मैं चाहता हूँ कि आप उसकी कमेंट्री करें और प्लीज अपना मत बोलिए। रिजल्ट का गजब बात की हो तुम तो, ये तो हम ही कर सकते हैं, ये अकेले काहे करेंगे, हम ही करेंगे। और ये जो है कम कमेंट्री, हाँ वही बोल नहीं सकते लेकिन कर सकते, बहुत ही अच्छा से कर सकते हैं, हम करेंगे। बहुत सही, तो एक काम करते हैं, मैं अरेंजमेंट करता हूँ। पागल हो गए, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स हम कमेंट्री करने तो आए यहाँ पर, पहली बार ऐसा होगा कि एक रियल लाइफ कपल कमेंट्री कर रहे होंगे, वो भी एक साथ। क्यों? मैं सारे अरेंजमेंट्स करता हूँ, एंड आई विल सी यू देयर। और इस बार अपनी नाक मत कटाना, आई मीन हमारी नाक मत कटाना। वैसे ये सब प्रूव करने के लिए कि वी बॉयज आर द बेस्ट, हां इनको सबक सिखा देंगे तो समझ में आ जाएगा इनको। ऑफ कोर्स इट्स टाइम टू शो देम आवर बॉयज आर मेड ऑफ। चलो तू से हां दे, हां चल तो, पता नहीं अब करण सर आएंगे तो हमारा क्या हाल होगा, वाट लग जाएगी गर्ल्स टीम की। तो क्या करूं, क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो, हाय सोफिया। या स्पीकिंग, हु इज दिस? मैं सृष्टि, प्रीता की बहन। तुम क्यों कॉल कर रही हो मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? एक तो तुम्हारी बहन प्रीता ने मुझसे मेरा करण छीन लिया, मेरा दिल तोड़ दिया, और अब तुम कॉल कर रहे हो। देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, बाय। अरे एक मिनट, एक मिनट, फोन मत करना प्लीज, फोन मत करना। मैंने ना तुम्हें बहुत बड़ी गुड न्यूज देने के लिए फोन किया है। और लेकिन खुशखबरी तो मैं दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। बताओ। गुड न्यूज तो मैं तुम्हें बता दूंगी सोफिया, लेकिन तुम पहले मुझे प्रॉमिस करो कि मैं जो बोलूंगी तुम वो करोगी। ओके, आई प्रॉमिस। बताओ क्या गुड न्यूज है। देखो सोफिया, मुझे पता है कि तुम उस दिन बहुत सैड थी, बहुत रो रही थी, याद है ना तुम्हें उस दिन, जिस दिन तुमने मुझे और कृतिका को कहा था कि करण सर और प्रीता दी के बीच में कुछ चल रहा है। पर तुम गलत थी सोफिया, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। कम ऑन सृष्टि, मैंने अपनी आंखों से देखा था उन्हें, रूम में भी और बाथरूम में भी। अरे नहीं, वो तो सिर्फ टेम्पररी क्रश था, ऐसा कुछ भी नहीं उन दोनों के बीच में, ना प्यार है, ना शार है, ना डेटिंग है, ना कुछ। मैं बोल रही हूँ ना, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन मानो। Are you serious, Srishti? Duh, I am serious. Oh God, Srishti, you made me so happy. बताओ तुम्हें क्या फेवर चाहिए? I'll do whatever you want. ठीक है। तो अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। God, Srishti, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? Come on, Sophie. अभी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया ना? गर्ल्स की जीत के लिए इतना नहीं करोगी तुम? Please, 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 please. Okay, I'll do. Thank you. Bye, XOXO. Yes. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।